चंडीगढ़ हाई प्रोफाइल छेड़छाड़ मामले में देर रात चंडीगढ़ पुलिस ने करवाया सीन रिक्रिएट। मुख्य आरोपी विकास और आशीष को मौके पर लेकर गई पुलिस। दो दिन के पुलिस रिमांड पर हैं आशीष और विकास। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बेटे और उनके मित्र आशीष पर लगे छेड़छाड़ मामले में विकास के दोस्त आशीष के परिजनों ने सरकार प्रशासन से इस मामले की निष्पक्ष जांच करवाए जाने की मांग की है। आशीष के परिजनों के मुताबिक उन्हें न्यायालय पर विश्वास है। उन्होंने कहा कि सारे मामले को राजनीतिक रंग दिया गया है, जबकि उनका भाई ऐसा नहीं है। जन चेतना मंच हरियाणा ने उखलाना में 5 जिलों के किसानों द्वारा चलाए जा रहे जेल भरो आंदोलन को अपना समर्थन देने की घोषणा की। मंच के प्रदेश संयोजक उम्मेद सिंह लोहान ने उखलाना अनाज मंडी पहुंचकर 12 अगस्त को गिरफ्तारियां देने का ऐलान किया। उम्मेद सिंह लोहान ने सरकार की निंदा करते हुए कहा कि सरकार में किसानों की सुध लेने वाला कोई नहीं है, किसान की मांगों को अविलंब पूरा करना चाहिए। रांची में जयपाल सिंह स्टेडियम के जर्जर भवन में अभ्यास के दौरान रेसलर विशाल के करंट लगने से मौत के मामले में अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों ने दुख जाहिर करते हुए मामले में जांच की मांग की है। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बबीता ने 24 साल के पहलवान विशाल की मौत पर अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि पहलवान देश का भविष्य बन सकता था। उन्होंने कहा कि सरकार पहलवान के परिवार को आर्थिक सहायता दे। उखलाना में आज पेट्रोल पंपों की हड़ताल है। दिन भर बंद रहेंगे पेट्रोल पंप। पेट्रोल और डीजल न मिलने से लोग परेशान रहेंगे। पेट्रोल पंप की हड़ताल की अधिकतर लोगों को जानकारी नहीं थी। पेट्रोल पंप पर पहुंचने के बाद लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। चीन में बड़े ट्रांसपोर्ट कैरेज में लोड होकर पहुंचा एयर इंडिया का बोइंग 737 विमान कौतूहल का विषय बन गया। विमान को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़े और लोगों में काफी क्रेज नजर आया। चीन में एरोनॉटिकल में बीटेक की पढ़ाई करने वाले छात्रों को एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देने के लिए लाया गया है विमान। देश भर के छात्र जल्द इस विमान में ट्रेनिंग लेते नजर आएंगे। हरियाणा की शिक्षा प्रणाली एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। सोनीपत के गांव सलीमपुर तराली की राजकीय प्राथमिक पाठशाला में पहली से पांचवी कक्षा के छात्रों को पढ़ाने के लिए महज एक ही अध्यापक है। एक ही कमरे में बैठकर पढ़ाई करते हैं सभी क्लास के अध्यापक। पढ़ाने के अलावा स्कूल में मिड डे मील बनाने से लेकर स्कूल के अन्य काम भी इस अध्यापक के हवाले ही हैं। वहीं अधिकारी जल्द ही अध्यापकों की कमी पूरा करने की बात कह रहे हैं।